दोस्तों लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एसईओ किया जाता है। उसी सीरीज में आज का ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ऑन पेज एक्टिविटी कैसे करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डियर संजो। दोस्तों बहुत बार होता है कि हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम करते हैं लेकिन वेबसाइट के ऊपर में ट्रैफिक नहीं आ पाती, और इसीलिए हम लोगों ने ये सीरीज शुरू की है जिसका आज ये थर्ड पार्ट है। दोस्तों पहले दो पार्ट में आप समझ चुके हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट का इंपॉर्टेंस क्या है या फिर एसईओ का इंपॉर्टेंस क्या है पर्टिकुलरली ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। अगर आपने वो वीडियो देखे नहीं तो ऊपर में लिंक दिए दोस्तों, जाइए एक बार देख कर फिर से आप यहाँ इस वीडियो पर आ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसईओ, दैट इज ऑन पेज। दोस्तों क्या ऑन पेज किसी और वेबसाइट के ऊपर जैसे करते हैं, जैसे ब्लॉगिंग साइट हो गई या फिर किसी B2B साइट कंपनी की वेबसाइट के ऊपर में जो ऑन पेज किया जाता है वो डिफिकल्ट या डिफरेंट होता है दोस्तों जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे करते हैं? अगर इसका आंसर चाहते हो तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। वैसे मैं बता देता हूँ, डिफरेंट है दोस्तों। जो स्ट्रैटेजी होती है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए वो अलग यूज की जाती है, और तो कंसेप्ट एसईओ के सेम होते हैं लेकिन जो ई कॉमर्स के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है वो अलग होती है। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में आपके हजारों प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, आपके B2B वेबसाइट के ऊपर में या ब्लॉगिंग साइट के ऊपर में हजारों ब्लॉग्स नहीं बनाओगे लेकिन एक साथ ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में हजारों प्रोडक्ट जरूर डाल सकते हो। अब हजारों प्रोडक्ट मतलब हजारों पेजेस मतलब हजारों कीवर्ड्स। अब हजारों कीवर्ड को रैंक करने के लिए आपको टाइम कितना लगेगा? दोस्तों इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिल सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि ऑन पेज कैसे करते हैं डिटेलिंग में जाकर वो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करता हूं इस वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि ऑन पेज करते कैसे। हम लोग आ चुके हैं गूगल के ऊपर में और मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया है। जैसे आपको पता है कि दिवाली आ रही है और दिवाली में बहुत सारी कंपनीज अपनी वेबसाइट के ऊपर में सेल जनरेट करना चाहते हैं। इंडिया में दिवाली एक ऐसा सीज़न होता है जहाँ पर कई सारी शॉपिंग की जाती है, हर घर में कुछ ना कुछ शॉपिंग की जाती है, और ऐसी शॉपिंग के वक्त में वेबसाइट को रेडी रहना ज़रूरी है। जिस तरह से कोई शॉप भी होता है तो शॉप भी अपने आप को प्रिपेयर करता है और वहाँ पर स्टॉक एक्स्ट्रा जो है अवेलेबल कराता है, और प्रेजेंटेशन जो है उस शॉप के अंदर में की जाती है ताकि लोग आए, अट्रैक्ट हो और सेल्स बिजनेस जनरेट हो। तो हम लोग वो चीज़ वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते हैं, और इसीलिए मैं दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स इस कीवर्ड को सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे आप देख सकते हैं दिवाली गिफ्ट हैम्पर इस कीवर्ड के ऊपर में 2400 का सर्च वॉल्यूम है, और अगर इसके ऊपर में एड्स भी करना है तो देखिए स्पॉन्सर्ड एड्स काफ़ी सारी दिख रही है, अलग अलग कंपनी जो है इस कीवर्ड के ऊपर में ऐड रन कर रहे हैं। 0.10 सेंट CPC है कॉस्ट पर क्लिक। और अब हम लोग देखते हैं कि इन वेबसाइट ने ऑन पेज कैसा किया और हम लोग कैसे करेंगे हमारे ऑन पेज। तो दोस्तों बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड नहीं कर रहा हूँ मैं जस्ट चाहता हूँ कि आप लोग सिंपल तरीके से समझें कि ऑन पेज किया कैसे जाता है। हम लोग कोई ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास में नहीं होंगे जो दुनिया में पहली बार हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे पास में बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, वो सर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग हमारी स्ट्रैटेजी बनाई है। दोस्तों यही गलती करते हैं हम लोग कि हम लोग हमारी स्ट्रैटेजी जो है अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। कंपटीशन रिसर्च किए बिना कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर में ट्रैफिक लानी है, ऑन पेज करना है, तो लोगों के वेबसाइट का ऑन पेज स्टडी करिए डिटेल में, उसको आप नोट डाउन कीजिए और फाइनली अपने लिए ऑन पेज बनाइए। यही एक मूल मंत्र है दोस्तों, या फिर सीक्रेट है किसी भी सक्सेसफुल वेबसाइट का। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर बता रहा हूँ मैं दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स के ऊपर में आ गए और कुछ वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर रही है, जैसे अमेज़न है, गवर्नमेंट बॉक्स है, देन ईट बेटर कंपनी, फोन सन पेटल से काफ़ी फेमस वेबसाइट है जो फोर्थ पोजीशन पे दिखाई दे रही है। मैं इसको एक इस वेबसाइट को ले लेता हूँ, साथ में और भी लिंक्स, बॉक्स लग्जरी गिफ्टिंग इसको भी ले लिया मैंने, और साथ में आई थिंक हम लोग एक बीकानेर वाला भी दिख रहा है, इसको भी ले लेते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट हमारे पास में 3 वेबसाइट्स हैं जिसको मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है, और देखते हैं कि इन लोगों ने कैसे किया है अपने वेबसाइट के ऊपर में, किस तरह से ऑन पेज क्रिएट किया है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले FNP पे फंक्शन पेटल जो है वो काफ़ी फेमस वेबसाइट है, और इस वेबसाइट को स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि FNP ने दिवाली के लिए कैटेगरी बना दी है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में होता है वो है कैटेगरीज। ये मैं पहले वीडियो से बोलते आ रहा हूँ, और यहाँ पर भी देखिए कि FNP ने एक दिवाली के लिए स्पेशल कैटेगरी क्रिएट कर दी है। अब दिवाली में बहुत सारे लोग गिफ्ट्स देते हैं और उनके लिए ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ किया गया है। दोस्तों पहले से किया होगा FNP ने,
और यहाँ पर उन्होंने एक पेज बना दिया जहाँ पे फीचर्ड गिफ्ट्स, ऑल दिवाली गिफ्ट्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, इस तरह के कैटेगरीज बना दी है, सिल्वर गिफ्ट्स, यूनिक गिफ्ट्स, बेस्ट सेलर गिफ्ट, मेक दिवाली लाइट विथ हैम्पर्स स्वीट्स, इस तरह के कीवर्ड बनाए दोस्तों, कैटेगरीज, मेक दिवाली लाइट विथ हैम्पर्स स्वीट्स, देन क्यूरेटेड हैम्पर्स, ड्राई फ्रूट हैम्पर्स, चॉकलेट हैम्पर्स, हैम्पर्स, इस कीवर्ड के ऊपर मैं अच्छा खासा फोकस किया है और डिटेल में कैटेगरी बनाई है। उसके अलावा ये कैटेगरी में आप देख सकते हैं रेंज के हिसाब से भी बना दी है, फैमिली फ्रेंड्स, हिम और कोलिग्स, किड्स, सबके लिए गिफ्ट्स का एक डिटेल में पेज बनाया दोस्तों। और यही खासियत है FNP की कि वो आज हर किसी कीवर्ड के ऊपर में, हैम्पर्स के कीवर्ड के ऊपर में रैंक कर रही होगी। तो पहली टिप यही दोस्तों कि अपने कैटेगरीज को डिफाइन कीजिए, स्टडी कीजिए लोगों की वेबसाइट के ऊपर में और अपनी कैटेगरीज बनाइए। अब हम लोग आते हैं ऑन पेज के पार्ट के ऊपर में। तो ऑन पेज में कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे पहला फैक्टर होता है दोस्तों लिंक, और लिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कीवर्ड इन द लिंक, ये जो है ये ऑन पेज का पहला पार्ट है कि आप देख सकते हैं इनके लिंक के अंदर में अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पर आप देखिए गिफ्ट हैम्पर्स दिवाली, तो ये जो कीवर्ड है इन्होंने यूज़ किया है अपने लिंक में। तो पहला पॉइंट आपको यही ध्यान में रखना है कि आपके लिंक के अंदर में आप अपने मेन कैटेगरीज को रिफ्लेक्ट कीजिए और उस कीवर्ड को रैंक करने में काफ़ी बड़ी हेल्प मिलती है अगर आप उसको लिंक के अंदर में यूज़ कर रहे हैं। तो इनका जो कीवर्ड है दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स, आप देख सकते हैं दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स, इसको भी इन्होंने अलग तरह से यूज़ किया है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। चाहे तो दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स ये पूरे इस कीवर्ड को भी डाल सकते हैं, और बहुत सारे लोग अपने लिंक में इसको उठाकर स्टफ़ कर देते हैं, मतलब जो आपका मेन कीवर्ड है उसी को आप डाल देते हैं, लेकिन इन्होंने उस तरह से नहीं किया, उन्होंने किया है गिफ्ट हैम्पर्स स्लैश दिवाली, इस तरह से उन्होंने क्रिएट किया ताकि स्टफिंग ना लगे। और यही एक स्मार्ट SEO का तरीका होता है दोस्तों कि गूगल को पता ही ना चले कि आप स्टफ़ कर रहे हो। हाँ, ऑल्दो आपका फोकस जो है स्टफिंग के ऊपर में है, लेकिन वैसा दिखे ना, इसी को कहते हैं ग्रे हैट टेक्निक दोस्तों। अभी जो नीचे आ जाते हैं हम लोग, ये तो हो गया लिंक। अब लिंक के बाद में हम लोगों को ध्यान में रखना होता है के कैटेगरीज, स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में कैटेगरीज में क्या कीवर्ड रख रहे हो। तो ये इनके कैटेगरी दिवाली गिफ्ट हैम्पर जो है होम के बाद में डायरेक्टली इस कैटेगरी के ऊपर में उन्होंने फोकस किया है, तो कैटेगरी का नाम ही इन्होंने दे दिया है दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स, तो यहाँ पे वो फोकस हो रहा है यहाँ पर कैटेगरीज के फॉर्म में, और उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स के H1 में। ये H1 टैग हो सकता है दोस्तों, और H1 टैग आपके ऑन पेज एक्टिविटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो उन्होंने दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स करके एक H1 टैग यूज़ किया। अगर इसको चेक करना है तो राइट क्लिक कीजिए आप और इंस्पेक्ट कर लीजिए, आपको दिखाई दे देगा कि वो H1 है क्या। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा H1 क्लास, इसका मतलब इस कीवर्ड को उन्होंने H1 बनाया। और बहुत ज़रूरी है कि जो मेन कीवर्ड है आपका जिसके ऊपर फोकस है उसको आप H1 में यूज़ करें। अगर हम लोग दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं दोस्तों पैरेलली, ईट बेटर ये वेबसाइट जो है इन्होंने भी दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स जैसे कि वैसा कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर लिया, लेकिन साथ में लगा दिया 2023 कलेक्शन ताकि स्टफिंग ना लगे। इन्होंने भी बेहतरीन ढंग से काम किया है, अपने कीवर्ड को स्टफ़ करने के बजाय 2023 कलेक्शंस ये एक एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड कर दिया है और उन्होंने अपने लिंक को बना दिया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग H1 की बात करें तो H1 मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। ओके, अब H1 होगा ज़रूर, लेकिन कहाँ पर है मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ इस वेबसाइट को स्टडी करके। अब बीकानेर वाला ये अगेन फेमस वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स इन्होंने यूज़ किया यहाँ पर कीवर्ड को, कलेक्शंस और एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया लिंक के अंदर में, और यहाँ पर उन्होंने H1 टैग के अंदर में दिवाली गिफ्ट हैम्पर को यूज़ किया है। एक बार चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट में जाकर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप H1 क्लास है, तो ये इन्होंने H1 में अपना मेन कीवर्ड यूज़ कर लिया। तीनों ने वेबसाइट ने H1 जो टैग यूज़ किया है, सिर्फ इस वेबसाइट ने H1 किया या नहीं किया ये अभी तक हमको पता नहीं। इसका आंसर मैं थोड़ी देर में दूंगा कि इन्होंने H1 का यूज़ किया है या नहीं किया। तो सबसे पहले यहाँ पर फिर से एक बार आ जाते हैं हम लोग और देखते हैं कि इन्होंने और क्या काम किया है। अब सब आई थिंक दोस्तों, जब हम लोग दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स इसको H1 में या मेटा टाइटल में यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो मेटा टाइटल एक बार चेक कर लेते हैं कि मेटा टाइटल में इन्होंने किस तरह से टाइटल टैग बनाया है। और आप देखिए यहाँ पर जो लिमिट होनी चाहिए 50-60 कैरेक्टर्स की, उसी के बीच में टाइटल यूज़ किया है, और दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स शॉप एग्जीक्यूट कलेक्शंस एट FNP, अपने ब्रांड को एक और भी वर्ड के साथ में ऐड कर दिया उन्होंने। शॉप कलेक्शंस वगैरह कीवर्ड्स को भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने टाइटल यूज़ किया है। डिस्क्रिप्शन में देखिए दोस्तों, दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स
शॉपिंग आइडियाज़, FNP प्रेजेंट्स बेस्ट गिफ्ट हैम्पर्स ऑनलाइन विद फास्ट डिलीवरी एंड फ्री शॉपिंग। इन कीवर्ड्स को भी यूज़ किया है उन्होंने, फास्ट डिलीवरी और फ्री शॉपिंग, लेकिन जो उनका प्राइमरी कीवर्ड है उसके ऊपर में उनका फोकस है और टाइटल और डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ में यूज़ किया है। अगर हम लोग नीचे आते हैं दोस्तों तो H1 दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया, साथ में इनके H2 टाइटल्स भी है। अब H2 टाइटल्स इन्होंने कहाँ यूज़ किए, चलो देखते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप देखिए दोस्तों, जब आपके आपका प्रोडक्ट जो है ई कॉमर्स का होता है तो ई कॉमर्स में आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं और आपको H2 जो है वो डालना बहुत आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए यहाँ पर्सनलाइज दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स, दिवाली बॉक्स ऑफ जॉय गिफ्ट हैम्पर्स, इस तरह के इन्होंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल के रखे। तो क्या इन प्रोडक्ट को वो H2 में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यही नहीं यूज़ कर सकते दोस्तों, यहाँ पर H2 टाइटल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो आपके हज़ारों प्रोडक्ट्स बनेंगे और हज़ारों H2 बनना शुरू हो जाएंगे। तो जनरली ऑन पेज में H1 टू H6 की कैटेगरी को इंपॉर्टेंट किया होता है, जो टैग्स होते हैं H1 के बाद में H2, H3, H4, H5, H6 तक होते हैं। तो प्रोडक्ट्स अगर बहुत सारे हज़ारों हैं तो बेटर है कि आप इस तरह के टैग्स यहाँ पे यूज़ ना करें, क्योंकि प्रोडक्ट चेंज भी हो सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं या आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप नहीं काम कर सकते हैं। तो कहाँ पर H2 टाइटल यूज़ किया जाता है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम लोग स्क्रोल डाउन करें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर कुछ कंटेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन उस कंटेंट को आप विजिबल नहीं कर पा रहे क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके ऊपर मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। ये जो दिख रहा है आपको कुछ कंटेंट दिखाई दे रहा होगा ये वाला, हाँ अब फाइनली फिर से रिसर्च आई थिंक पेज जो है रिफ्रेश हो रहा है और वो कंटेंट नीचे जा रहा है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ऑर्डर द मोस्ट लग्जरियस दिवाली। अगर मैं यहाँ पर H2 में आऊँ टूल के अंदर में चेक करने के लिए कि H2 में क्या लिखा होगा, देखिए यहाँ पर ऑर्डर द मोस्ट लग्जरियस दिवाली हैम्पर्स ऑनलाइन फॉर एवरीवन। जो कीवर्ड उनको H2 में डालना चाहिए था वो कीवर्ड उन्होंने हाइड करके रखा है हमारे लिए, यूजर्स के लिए, क्रॉलर के लिए नहीं। गूगल क्रॉलर को पता है कि इस वेबसाइट के ऊपर में H2 टैग्स है और वो टैग्स जो है वो देख पाता है, हमको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कॉन्टेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है हमारे लिए। हम लोग जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर में जाते हैं तो हमको H2 क्या है, H1 क्या है, इससे लेना देना नहीं है। लेकिन एज अ कंपनी या फिर SEO एक्सपर्ट आपको ध्यान रखना होता है कि आपके कीवर्ड रैंक करना शुरू हो जाए। तो H1 तो आपने यूज़ कर लिया बड़ी आसानी के साथ में, लेकिन H2 यूज़ करने के लिए आपको कुछ कंटेंट ऐड करना पड़ता है जो आपके वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करने के बाद दिखाई देगा। अब दोस्तों बीकानेर वाला में आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई भी कंटेंट यूज़ नहीं किया है यहाँ पर, तो ये गलत SEO स्ट्रेटेजी हो सकती है। जो बीकानेर वाला के जो SEO जो टीम होगी उन्होंने ये स्किप कर दिया, और बहुत ही आई थिंक मुझे से लगता है वियर्ड थिंग है कि एज अ SEO आप अपने H1, H2, H3 टैग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग नीचे जा सकती है या फिर आप सेकंड पेज पे भी आ सकते हो। ऑल दो बीकानेर एक ब्रांड है, लोग ढूंढते हैं, इसके वजह से इसके कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये कीवर्ड हमेशा के लिए रैंक करे। ये निगेटिव पॉइंट है बीकानेर वाला, जो कोई भी नोटिस कर सकता है उसके बाद में बीकानेर वालों को सेकंड पेज के ऊपर में शिफ्ट कर सकता है। सो ये नेगेटिव पॉइंट है। हम लोग आ जाते हैं दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स इस ईट बेटर कंपनी के ऊपर में। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर इन्होंने H1 H2 कहाँ यूज़ किए, तो हम लोग अगर स्क्रॉल डाउन करें दोस्तों तो इन्होंने यहाँ पर दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स इस कीवर्ड को H1 में डाला है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ तो आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर H1 क्लास लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने ऊपर में H1 को प्रायोरिटी नहीं दी है, लेकिन इन्होंने नीचे में H1 यूज़ किया है, साथ में यहाँ पर ढेर सारा कंटेंट लिखा है दोस्तों। तो जनरली होता यही है कि अगर हम लोग कीवर्ड पे काम करते हैं तो हम लोग कंटेंट जो है ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में स्क्रॉल डाउन करने के बाद में लिखते हैं, और वही वैसे ही लिखा गया है यहाँ पर। और इस कीवर्ड के ऊपर में अगर हमको देखा जाए तो अच्छा खासा आर्टिकल लिखा है यहाँ पर, और इस तरह का आर्टिकल लिखना, कंटेंट ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में, ताकि आप अपने कीवर्ड पे फोकस करें। उसके बाद में अगर हम लोग नीचे आए तो ये इनका H2 हो सकता है, कॉर्पोरेट दिवाली गिफ्ट। अगर हम लोग चेक करें तो पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड कौन सा है। आप देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन्होंने H2 का टैब नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये भी एक गलत स्ट्रैटेजी हो सकती है दोस्तों। आपको आपके सब कीवर्ड्स को H2 में बनाना है, और जैसे कि हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर इस टूल में, साइट चेकर में H2 टाइटल है यहाँ पर, FAQ को उन्होंने H2 बनाया है, और यहाँ पर कॉन्टैक्टस को H2 बनाया हुआ है, जबकि वो सब कीवर्ड जो है इन कीवर्ड्स को H2 बना सकते थे, या फिर एटलीस्ट H3 टैब में डालना चाहिए था। अगर उन्होंने FAQ को H2 बनाया है
तो H3 यहाँ पे यूज़ कर सकते थे और इन कीवर्ड को और भी बेहतरीन ढंग से या पेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते थे, जो उन्होंने किया नहीं है। तो अभी तक की जो बेस्ट वेबसाइट है FNP, उन्होंने काफ़ी ही आई थिंक बेहतरीन ढंग से अपने H1 H2 को यूज़ किया। आप देखिए दोस्तों, उन्होंने S6 भी यूज़ किया है। वर्ल्ड वाइड डिलीवरी 100% सेफ। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है FNP की, जो आपको नोटिस करना है। यहाँ पर उन्होंने H1 टाइटल H2 टाइटल तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पे पूरा कंटेंट नहीं दिखा दे रहा है। तो उनके मल्टीपल H2 जो है वो उन्होंने हाइड करके रखे हैं रीड मोर के टैब में। अगर हम लोग रीड मोर के टैब के ऊपर में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा H2, यहाँ पर 3 H2 दिखाई दे रहे हैं, साथ में यहाँ पर काफ़ी H2s है जो उन्होंने यूज़ किए हैं। और इन H2 के में उन्होंने अच्छा खासा कीवर्ड जो है या फिर कंटेंट ऐड किया हुआ है, और ये कंटेंट यूनिक होगा। और उन्होंने काफ़ी सोच समझ के H2 यूज़ कीजिए। देखिए, ऑर्डर द मोस्ट लग्जरियस दिवाली हैम्पर्स, स्वीटन योर बॉन्ड्स विथ वैरायटी ऑफ दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स। तो दिवाली गिफ्ट हैम्पर जो है ये लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर में उन्होंने यूज़ किए हैं। यहाँ पर दिवाली गिफ्ट ऑनलाइन फॉर एवरी मंथ, इस तरह के आप देखिए यहाँ पर शोड योर लव विथ लव वार्मथ एंड एक्सेलेंट गिफ्ट हैम्पर्स फॉर दिवाली। सो तरह तरह के कीवर्ड्स परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके उन्होंने यूज़ किया है दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स एट FNP, इस तरह के यूज़ किया और H2 में ऐड किया है। और ये आपको पुश करता है कि आप अपने कीवर्ड्स को अच्छी तरह रैंक करवाएं। तो दोस्तों, तो जो भी वेबसाइट होती है, अगर हम लोग जो पैरामीटर होते हैं जो पैरामीटर्स होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, आपके कीवर्ड रैंकिंग है जो भी पैरामीटर। तो दोस्तों, ऑन पेज जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक लिंक होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, H1 to H6 जो टैग्स होते हैं वो ऐड करना होता है, और इस तरह के पार्ट जो है, और इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक। अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, बाय नाउ के ऑप्शन यहाँ पर भी है, और यहाँ पर अगर हम लोग नीचे में आएँ तो कैटेगरीज वाइज जो है यहाँ पर इंटरनल लिंक्स भी दिए हैं यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ पर H6 तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से यूज़ किया इन लोगों ने। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ ऑन पेज एक्टिविटी। इसके अलावा भी कुछ होती है, जैसे स्पीड होता है या फिर रिच स्निपेट्स होते हैं जिनको हमको ऐड करना होता है, लेकिन इन एक्स्ट्रा पैरामीटर्स के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि रिच स्निपेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे इन्होंने FAQ ऐड किया है दोस्तों, ये एक रिच स्निपेट्स हो सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। अगर हम लोग गूगल के ऊपर में भी आते हैं तो हम लोगों को कुछ वेबसाइट ने किया होगा, वो मैं बता देता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पर दिवाली गिफ्ट बॉक्स, इस तरह के जो स्निपेट्स ऐड किए हैं या फिर यहाँ पर भी ऐड किए हुए हैं, तो जो वेबसाइट ऐड करती है, जैसे रेटिंग्स है या रिव्यूज़ है, ये सब स्निपेट का काम है। और ये ऐड कैसे करते हैं, हम लोग इसका वीडियो जो है नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, और उसमें डिटेल में बताऊँगा आपको कि क्रिएट कितनी आसानी से किए जाते हैं। दोस्तों, और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी ऑन पेज ऑफ पेज या फिर ऑन पेज एक्टिविटी आप समझने की कोशिश कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर्स की, उनको आप एक एक्सेल में बना लीजिए, जहाँ पर आप एक फॉर्मेट बना लीजिए कि जो जैसे FNP है, आप जाइए एक्सेल के ऊपर में, आपको एक्सेल में आना है, यहाँ पर डाल दीजिए वेबसाइट नेम जो आप कॉम्पिटिटर स्टडी कर रहे हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, देन H1, H2, लिंक, जितना भी आपको डिटेल मिलता है कॉम्पिटिशन का वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। और फाइनली आप अपने पेज के लिए, कैटेगरी के लिए अपना खुद का टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश करोगे। और इनके लिए अगर आपको और भी मेहनत करनी है और भी कुछ अच्छा अगर आपको करना है, तो आपको आप दोस्तों AI टूल्स को भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आसानी के साथ आप क्रिएट कर सकते हो टाइटल, डिस्क्रिप्शन या फिर ऑन पेज एक्टिविटी, लेकिन आपको अपने इनपुट्स देने हैं। वो भी कैसे करना है मैं एक अगले वीडियो में बता दूंगा, आने वाले वीडियोज में, क्योंकि सीरीज़ बन रही है जिसमें आपको बताने वाला हूं कि किस तरह के कंटेंट क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में यहां तक इतना ही दोस्तों, जहां पर आप समझ रहे हो कि कॉम्पिटिशन का H1 या फिर कॉम्पिटिशन का ऑन पेज स्टडी करके आप अपने ऑन पेज को कैसे बनाओगे। सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया, और आप अभी इसके बाद ऑन पेज ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट काफ़ी आसानी से कर पाओगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आप मुझे पूछ सकते हो, और चाहिए अपने दोस्तों को बताइए इस सीरीज के बारे में पर्टिकुलरली, क्योंकि ई कॉमर्स के लिए बनी हुई है। ई कॉमर्स के प्रोडक्ट के ऊपर कैसे रैंकिंग लेकर आए, ट्रैफिक लेकर आए, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उनको बोलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को दबाने के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।